नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष एडवोकेट अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि हमें पर्यावरण संतुलन के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है, तभी हम पर्यावरण संतुलन में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। भार्गव शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंजरी फाउंडेशन एवं लुपिन फाउंडेशन की सहभागिता से एक्सप्रेस क्लब एवं सीआरसी ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में मचकुंड रोड पर आयोजित संरक्षित वृक्षारोपण कार्यक्रम में बोल रहे थे। भार्गव ने कहा कि हमने कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन के अभाव में सैकड़ों मरीजों को दम तोड़ते देखा है। ऑक्सीजन की कमी से हमने कई अपनों को खो दिया। भार्गव ने दूषित पर्यावरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समय रहते यदि हम नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी हमें इस लापरवाही के लिए कभी माफ नहीं करेगी। कार्यक्रम में बोलते हुए मंजरी फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक संजय शर्मा ने कहा कि वृक्ष लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उन वृक्षों की देखभाल करें और उन्हें संरक्षण प्रदान करें ताकि 100% पौधारोपण कार्यक्रम सफल हो, जिसकी सफलता से ही हमें अपने वातावरण को शुद्ध रखने में मदद मिलेगी। शर्मा ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि हम इस दिशा में कारगर पहल करें। क्लब के सचिव जितेंद्र सिंह रजौरिया ने बताया कि इस वर्ष क्लब की ओर से 11,000 पौधे लगाकर उन्हें संरक्षित करने का संकल्प लिया गया है, जिसकी शुरुआत आज 101 पेड़ लगाकर की जा रही है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान समय में मानव ने अपने भौतिक दुखों के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, जिसके चलते वातावरण कई गुना प्रदूषित हुआ है। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमारे पास अधिक से अधिक पेड़ लगाने का ही विकल्प बचता है, जिसके लिए सभी को सामूहिक प्रयास करने चाहिए। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव सोमेन तिवारी ने कहा कि हमें वृक्षों का पालन परिवार के एक सदस्य की तरह करना चाहिए, साथ ही अपने पूर्वजों की याद में वृक्ष लगाकर उनका ध्यान रखा जाए तो हम शुद्ध वातावरण तैयार कर सकते हैं। कार्यक्रम में मौजूद इफ्को के प्रभारी अधिकारी बंटू राम चौधरी ने कहा कि क्लब की सहभागिता से इफ्को द्वारा नीम के पेड़ लगाने का कार्यक्रम भी शीघ्र शुरू किया जाएगा। लुपिन फाउंडेशन के इरफान खान ने कहा कि वृक्षों को जिंदा रखने के लिए आधुनिक तरीकों से बूंद बूंद पानी नियमित प्राप्त हो सके, इसके लिए वृक्षों के साथ 6 फीट तक घड़ी लगाकर जल का उपयोग वृक्ष के लिए किया जाएगा। इस अवसर पर क्लब पदाधिकारी मनोज राणा, नरेंद्र सिंह तोमर, चंद्रमोहन त्रिवेदी, कमलजीत सिंह, पवन श्रीवास्तव, रंजीत दिवाकर, मुकेश राणा, शाहिद कुरैशी, मोहन वर्मा, अजय श्याम बाबा, गौरव शुक्ला, राहुल राणा, रवि सिवहरे, अजय मधुर, अब्दुल खान, बबलू खान छावनी, मुन्ना फारूकी, अमन भार्गव, ऋतिक वर्मा, मनीष परमार, अभीक राजौरिया, अर्जुन शर्मा, अमित शर्मा, दिवांश मथुरिया, महेंद्र कुशवाहा आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक्सप्रेस क्लब और सियासी ग्रुप ने लुपिन फाउंडेशन और मंजरी फाउंडेशन की सहभागिता से लगभग पूरे जिले भर में 11,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। आज पर्यावरण की जो स्थिति है उसमें कोरोना के समय में जिस तरह लोगों की जान बची है वृक्षों से, हमें इसके लिए प्रयास करना होगा और हम संकल्प के साथ में एक वर्ष के अंदर 11,000 पेड़